एक साथ कई मिसाइलों का आभास हो रहा है, यानी तबाही करने पर पूरी तरह से उतारू हो गया है जैकॉल। नहीं, मुझे जैकॉल को रोकना होगा, वरना कब तक रोकता रहूंगा मैं इन मिसाइलों को। जैकॉल जिन तरंगों से इन मिसाइलों को काबू किए हुए हैं, उन्हीं तरंगों से पहुंचा जा सकता है जैकॉल तक। उस ओर से आ रही है तरंगे, मतलब जैकॉल का अड्डा उस तरफ है। शक्तिमान अंतरिक्ष की ओर क्यों जा रहा है महागुरु? सूर्यांशी संजीव, कदाचित शक्तिमान को जैकॉल के स्थान का ज्ञान हो गया है, परंतु शक्तिमान को अकेले वहां जाना उचित नहीं होगा। शिष्य अभिमन्यु, विद्युत, तुम तीनों को भी जाना होगा शक्तिमान की सहायता के लिए। जो आज्ञा। हमें पहले से ऐसी आशंका थी, इसलिए हमने तैयार रखा है अपने यान को। महाशय, गुप्त द्वार खोल दीजिए, हमारा यान तैयार है। ठीक है, द्वार खुल रहा है। अधिकतम गति पर विमान चला विद्युत, हमें शीघ्र से शीघ्र शक्तिमान तक पहुंचना है। शीघ्रता करो विद्युत, अब तक हम लोग शक्तिमान को नहीं देख पाए। हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं शिशिर, इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है शक्तिमान। अब इन मिसाइल्स को रोकने क्यों नहीं आ रहा है शक्तिमान? लगता है वो समझ गया है कि अब वो बचा नहीं पाएगा दुनिया को तबाही से। शक्तिमान इधर आ रहे हैं सर। ये कैसे हो सकता है? अरे, वो तो अंदर चला गया। विद्युत, हम एक्सरे के कैमरे से देख सकते हैं कि अंदर क्या हो रहा है। तो आखिर आ ही गए तुम शक्तिमान। आओ आओ, देखो ये मिसाइलें क्या हाल करने वाली हैं तुम्हारी प्यारी पृथ्वी का। इन्हें रोकना ही होगा।
अब इन मिसाइलों को तुम अपने काबू में नहीं कर पाओगे डॉक्टर जैकॉल। मगर तुम अंधेरे के काबू में जरूर आ जाओगे शक्तिमान। अंधेरा कायम रहे, अंधेरा कायम रहे, अंधेरा कायम रहे। ओ तमराज किल्विश, तो तुम भी हो यहाँ? हाँ, मुझे इस बात का पहले से ही अंदेशा था कि तुम यहाँ जरूर आओगे, इसीलिए मैं तुम्हारा तोड़ लेकर आया हूँ शक्तिमान। मतलब? अंधेरे का मकसद रक्षा कवच को तोड़ना है शक्तिमान, ये तो तुम जानते ही हो। और अंधेरा उस मकसद में कामयाब नहीं हो पाएगा, ये भी मैं जानता हूँ। लेकिन तुम ये नहीं जानते हो कि रक्षा कवच तुम तोड़ोगे। सत्य के बनाए रक्षा कवच को सत्य का पुनर्जन्म शक्तिमान ही तोड़ेगा, ये तुम नहीं जानते हो। तुम्हारा एक और नया सपना जो तुम्हारे हर सपने की तरह अधूरा ही रहेगा तमराज किल्विश। नहीं शक्तिमान, ये सपना एक दिन हकीकत बनकर रहेगा। ये देखो क्या है। जानते हो ये क्या है? ये सूर्यांशियों की दिव्य मणि में छिपी हुई शक्ति है। ओ, तो अंतरिक्ष में तुमने ही मणि को नष्ट किया था। हाँ, और उसकी शक्ति को अपने काबू में कर लिया था, और अब इस शक्ति में अपनी शक्ति को मिलाकर हमने एक ऐसी शक्ति तैयार कर ली है जिस शक्ति से हम कुछ समय के लिए तुम्हें अपने वश में कर सकते हैं और तुमसे मनचाहा काम ले सकते हैं। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। हम ऐसा कर रहे हैं शक्तिमान। ये क्या हो गया? मुझे नहीं लगता कि शक्तिमान को वो अपने वश में कर पाएंगे। कहो, जो अंधेरा कहेगा वो करोगे या नहीं? करूंगा, करूंगा। नहीं शक्तिमान, नहीं मेरे मित्र, नहीं 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 शक्तिमान, नहीं, ऐसा नर्स मत करना। लो देख लो, आज शक्तिमान अंधेरे का गुलाम बन गया है। ये वो सब कुछ करने को तैयार है जो अंधेरा चाहेगा। हाँ तमराज किल्विश, अवश्य करूंगा। तो फिर जाओ, जाकर तोड़ दो रक्षा कवच को। ठीक है तमराज किल्विश। विदुत, ये तो रक्षा कवच को तोड़ने जा रहा है। इसे रोकना ही होगा, इसे रोकना ही होगा। हा वाह, वो लोग शक्तिमान को रोकने जा रहे हैं। महामहिम, नहीं रोक पाएंगे शक्तिमान को। अब कोई नहीं रोक सकता है रक्षा कवच तोड़ने से, और रक्षा कवच के टूटते ही प्रेतोला आ जाएगा मेरे पाप पुंज तक। अब हमें अपने पाप पुंज के पास जाना होगा। अंधेरा कायम होने वाला है। अंधेरा कायम होगा रहेगा महामहिम। आज तुझे अंधेरे का गुलाम बना देखकर डॉक्टर जैकॉल को बहुत खुशी हो रही है शक्तिमान। अगर शक्तिमान को नहीं रोका गया तो ये बहुत बड़ा अनर्थ कर देगा। तो सोच क्या रहे हो मित्र, शक्ति किरणों से उसे रोकने का प्रयास करो। शक्ति किरणों से उसे जकड़कर विमान के अंदर ले आओ शक्तिमान को। शक्ति किरणों से जकड़कर अपने बचपन के मित्र शक्तिमान के साथ ये शत्रु जैसा व्यवहार? नहीं, इसके अतिरिक्त तो और कोई मार्ग नहीं है विद्युत। पृथ्वी पर जीवन को बचाना है तो शक्तिमान पर शक्ति किरणों का प्रयोग करना ही पड़ेगा, अन्यथा वो रक्षा कवच को तोड़ देगा। सोच क्या रहे विद्युत, प्रहार करो। प्रहार करो विद्युत, प्रहार करो। विद्युत प्रहार करो।
विद्युत अंदर खींचो। लो, शक्ति किरणों को तोड़ दिया उसने। तो फिर से प्रयास करो, उसे फिर से बांधने का प्रयास करो विद्युत। वो तो हम पर आक्रमण कर रहा है। जान को बचाओ विद्युत, जान को बचाओ। जल्दी तोड़ो शक्तिमान, जल्दी। नहीं शक्तिमान, नहीं मित्र, ये अनर्थ मत करो, ये अनर्थ मत करो शक्तिमान। समझ में नहीं आता, रोकू तो रोकू कैसे उसे। प्रयास तो करना ही होगा विद्युत, अब मेरे विचार से घातक शक्ति किरणों का प्रयोग करना ही होगा। घातक शक्ति किरणें? उससे तो शक्तिमान का बड़ा अहित हो सकता है, और यह भी हो सकता है कि घातक शक्ति किरणों के प्रहार से उसकी जान भी चली जाए। अब जो भी हो, हमें किसी भी मूल्य पर पृथ्वी पर जीवन को बचाना है। रक्षा कवच के निकट आ गए हैं हम लोग। वो कभी भी रक्षा कवच को तोड़ सकता है, उसे रोको विद्युत, उसे रोको। नहीं मित्र, नहीं, नहीं शक्तिमान, नहीं, रक्षा कवच को मत तोड़ दो। अंधेरा कायम हो गया, अंधेरा कायम हो गया। ये क्या अनर्थ कर दिया शक्तिमान ने महागुरु, ये क्या अनर्थ कर दिया। विद्युत शक्तिमान नीचे गिर रहा है, उसे शक्ति किरणों से जकड़ो विद्युत, जकड़ो। अब शीघ्र उसे यान की ओर खींचो, प्रतोला पृथ्वी की ओर बढ़े, उससे पहले हमें अनुसंधान केंद्र में पहुंचना है। कैलोश अपने दुष्चक्र में सफल हो गया सूर्यांशी संजीव, श्री सत्य द्वारा बनाए गए रक्षा कवच को अंततः श्री सत्य के पुनर्जन्म शक्तिमान के हाथों तोड़वा ही दिया उसने। परंतु अब क्या होगा महागुरु, अब क्या होगा। जो अनर्थ होना था वो तो हो ही चुका शक्तिमान के हाथों, वो अनर्थ तो हो ही चुका। हमें शीघ्र से शीघ्र पहुंचना है। प्रेतोला आ जाओ, तुम्हारी मंजिल तुम्हारे सामने है। छह हजार सालों के बाद अपनी इच्छा पूरी कर लो प्रेतोला। Woo, 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 woo.
अब कोई नहीं रोक सकता, अब कायम हो जाएगा अंधेरा। बस शक्ति पुंज का वो आधा हिस्सा और मिल जाए, सूर्यांशु के कब्जे में जो आधा हिस्सा है बस वो मिल जाए, फिर कायम हो जाएगा, फिर पूरी तरह कायम हो जाएगा दुनिया में अंधेरा। पूरी तरह कायम हो जाएगा दुनिया में अंधेरा। क्या कर डाला मैंने, ये क्या कर डाला मैंने, श्री सत्य के बनाए हुए रक्षा कवच को मैंने मैंने तोड़ डाला, ये क्या कर डाला मैंने, ये क्या कर दिया मैंने। जो होना था मित्र से हो गया, अब हमें यह सोचना है कि आगे क्या करना है। चलो अनुसंधान केंद्र चलते हैं, जहां महागुरु हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। ये कैसे हो गया महागुरु, ये मुझसे कैसा अनर्थ हो गया है महागुरु, ये मुझसे कैसा अनर्थ हो गया है। जिस सत्य की रक्षा के लिए आप लोगों ने मेरा निर्माण किया था, उसी सत्य का आज मैं सबसे बड़ा शत्रु बन गया हूं। अपने इन्हीं हाथों से मैंने मैंने उस रक्षा कवच को तोड़ डाला महागुरु, मैंने उस रक्षा कवच को तोड़ डाला। मैं क्षमा के योग्य नहीं हूं महागुरु, आप लोगों ने मुझे जो शक्तियां दी थी वो आप उन शक्तियों को मुझसे वापस ले लीजिए, मैं उन शक्तियों के योग्य नहीं हूं। मुझे दंड दीजिए महागुरु, मुझे दंड दीजिए। दंड तो तुम्हें मिलना ही चाहिए शक्तिमान, और दंड तुम्हें मिलेगा ही। आज केवल तुम्हारे कारण प्रेतोला न केवल इस पृथ्वी पर आ गया है, अपितु शक्ति पुंज के आधे भाग पर उसने अपना अधिकार भी जमा लिया है। आधा शक्ति पुंज अर्थात पृथ्वी की आधी आत्मा आज प्रेतोला के वश में है, जिस कारण संसार के आधे से अधिक लोग मृत होकर प्रेत बन गए हैं, और बाकी बचे हुए लोगों को मृत बने लोग और किलवेश के योद्धा प्रेत बना रहे हैं। अर्थात आधी पृथ्वी पर आज प्रेतों का राज है। शक्ति पुंज की शक्ति के कारण ही केवल यही एकमात्र स्थान ऐसा बचा है जहां पृथ्वी पर जीवन और सत्य संरक्षित है, बाकी सारी पृथ्वी पर किलविश का अधिकार है, और यह केवल तुम्हारे कारण हुआ है शक्तिमान, केवल तुम्हारे कारण। अतएव इसके लिए तुम्हें दंड मिलना ही चाहिए। मैं प्रस्तुत हूं महागुरु, बड़े से बड़े दंड के लिए मैं प्रस्तुत हूं। आप केवल इतना बताइए कि मेरा दंड क्या है। शक्तिमान, जिस पृथ्वी पर तुम्हारे कारण जीवन नष्ट हुआ है, उसी पृथ्वी पर तुम्हें पुनः जीवन को लाना होगा, प्रेतोला को वापस अंतरिक्ष में भेजना होगा, पुनः बनाना होगा उस रक्षा कवच को जिसे तुमने तोड़ डाला है शक्तिमान। जीवन के बदले जीवन देना होगा शक्तिमान, यह कार्य हम में से केवल तुम ही कर सकते हो मित्र। अतएव शोक करना छोड़ दो, शोक योगियों को शोभा नहीं देता। जो हो गया उसे भूलकर जो करना है वो सोचो, युक्ति सोचो, कोई युक्ति सोचो मित्र, क्योंकि कोई युक्ति ही इस संकट से हमें मुक्ति दिला सकती है। अब क्या संकेत दे रहा है शक्तिपुंज?
शायद संकट से मुक्ति की युक्ति बता रहा है महापुरुष। इसमें तो 8 चक्र बन रहे हैं, इन 8 चक्रों को क्या मतलब होगा? 8 चक्र, ये तो मेरी समझ में भी नहीं आ रहा है। इसका अर्थ समझने का प्रयास करो मित्र, हमारे पास समय बहुत कम है, किसी भी समय पहुंच सकता है यहाँ तमराज किलवेश। शक्ति पुंज के कारण ही वो लोग बचे हुए हैं हमारी नजरों से, मगर कब तक बच पाएंगे वो लोग हमारी नजरों से? हम दुनिया के कोने कोने में उन्हें तलाशेंगे महामहिम। और जैसे ही हमें मिलेंगे वो सूर्यांशी और शक्तिमान, हम उन्हें खत्म कर देंगे, क्योंकि अब बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है हमारी ताकत, अब हमारे सामने वो नहीं टिक पाएंगे। और फिर उनसे शक्ति पुंज छीन कर आपके कदमों में लाकर रख देंगे, तभी पूरी तरह कायम हो पाएगा अंधेरा। जाओ, चारों तरफ फैल जाओ और अंधेरे के जितने नुमाइंदे हैं सबसे कह दो, सब फैल जाएं चारों तरफ और कैसे भी जल्द से जल्द ढूंढ निकालें शक्ति पुंज को। आठ चक्र का मतलब शायद उन 8 चीजों से तो नहीं जो चक्र के समान चलती हूं। चलने वाली चीजें तो असंख्य हैं मित्र, ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु सदैव चल रही है, जैसे ग्रह, नक्षत्र, सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, प्राणी सदैव चल रहे हैं। तो फिर शायद इसका संकेत उन चीजों के बारे में हो सकता है जो पहले चलती हों और अब रुक गई हों। ऐसी चीजें क्या हो सकती हैं? कहीं इसका संकेत जीवन चक्र की ओर तो नहीं है? हो सकता है, क्योंकि पृथ्वी पर जीवन चक्र रुक गया है पृथुला के कारण। इसका तात्पर्य क्या है? शायद शक्तिपुंज हमारी बातों को स्वीकृति दे रहा है महावीर। हो सकता है ये संकेत दे रहा हो कि इन 8 चीजों के मिलने से ही समाधान मिल सकता है। हो सकता है मित्र, परंतु 8 जीवन चक्र, इसका तात्पर्य क्या हो सकता है? इसका मतलब जानने के लिए मुझे यहां से निकलना होगा महावीर। हो सकता है जहां जीवन रुक गया हो वहीं जाकर मुझे इसका समाधान मिले। परंतु इस समय तुम्हारा बाहर जाना उचित नहीं है मित्र, बाहर किलवेश के योद्धाओं का खतरा मंडरा रहा है। उस संकट का सामना शक्तिमान कर सकता है महाशय। अब जाने की आज्ञा दीजिए महागुरु, मैं चलता हूं। थोड़ा आयुष्मान भव। चारों ओर कहीं भी जीवन का नामो निशान तक नहीं है। प्रेतोला के प्रभाव ने सचमुच पृथ्वी पर जीवन को खत्म कर दिया है। तो इस तरह प्रेत बनकर घूम रहे हैं सारे जीवित प्राणी। बचाओ, बचाओ, बचाओ! अरे कोई मेरी जान बचाओ, बचाओ, बचाओ! मुझे उसे बचाना होगा। मैं बचाओ। इन्हें पास नहीं आने देना है, वरना ये मेरे शरीर से भी मेरी आत्मा को निकाल लेंगे।
पता नहीं इस भयानकता के बीच मुझे मिलेगा भी कि नहीं शक्तिपुंज पर बने उन आठ चक्रों का समाधान, परंतु उस समाधान को तो मुझे ढूंढना ही होगा, किसी भी कीमत पर ढूंढना होगा मुझे। कुछ नहीं, चारों तरफ इन प्रेत आत्माओं और अंधेरे के सिवा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है यहां पर। ऐसे में कैसे ढूंढ पाऊंगा मैं उस समाधान को? मगर पृथ्वी पर जीवन के लिए उस समाधान को तो मुझे ढूंढना ही होगा। आखिर वो आठ चक्र हैं क्या जो पृथ्वी पर दोबारा जीवन ला सकते हैं? शक्तिमान, अरे गीता और द्विज, तुम दोनों यहां कैसे? शक्तिमान बचो, हम दोनों इन भूतों से बचते हुए तुम्हें कितनी देर से ढूंढ रहे शक्तिमान। पता है वर्तमान में अंधेरा फैलने से भविष्य भी बदल चुका है, भविष्य में भी अंधेरा फैल गया है। हाँ शक्तिमान, ये मुझसे मिलने मेरे ऑफिस आया था, तभी ये मुझसे कह रहा था कि हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों में अंधेरा फैलने वाला है। मुझे जल्दी शक्तिमान के पास ले चलो। फिर देवी जी मुझे लेकर तुम्हारे घर गई, लेकिन वहाँ भी ताला लगा हुआ था। हम लोग तुम्हारी प्रतीक्षा कर ही रहे थे और अचानक ही अंधेरा फैल गया। अब तुम ही कुछ करो शक्तिमान, अब तुम ही वर्तमान और भविष्य दोनों को बचा सकते हो। द्विज, मैं उसी कोशिश में लगा हुआ हूँ, परंतु मेरी समझ में नहीं आ रहा यह अंधेरा हटेगा भी तो कैसे। हालांकि शक्तिपुंज ने अंधेरे को हटाने के उपाय का संकेत दिया है, मगर मगर क्या शक्तिमान? शक्तिपुंज ने कैसा संकेत दिया था शक्तिमान, बताओ ना। संकेत क्या, अनबुझ पहेली है। अंधेरा फैलने पर शक्तिपुंज पर आठ चक्रों के निशान उभरे थे द्विज। आठ चक्र? आठ चक्र, लेकिन ये आठ चक्र का मतलब क्या हो सकता है? मैंने और महागुरु ने यही अर्थ निकाला है कि कोई आठ जीवन चक्र है पृथ्वी पर, जिनके जुड़ने पर पृथ्वी पर जीवन फिर से वापस लौट सकता है। आठ जीवन चक्र? हाँ द्विज, आठ जीवन चक्र। लेकिन इस अंधकार में जहां कहीं भी जीवन का कोई नामो निशान तक नजर नहीं आ रहा, आठ जीवन चक्र ढूंढूंगा कहां? तुमने कभी समय यात्रा की है शक्तिमान? द्विज तुम भूल गए, पिछली बार तुम्ही ने तो मुझे और शक्तिमान को टाइम ट्रेवल करवाया था। नहीं, इसके अलावा भी शक्तिमान ने एक बार छह या सात बार समय यात्राएं की है। मैंने अपने समय के इतिहास की किताब में पढ़ा था उन्हें। हालांकि मुझे सब कुछ ठीक से याद नहीं है, बहुत पहले पढ़ा था मैंने इन घटनाओं के बारे में। हाँ याद आया, इन समय यात्राओं में कोई चक्रे जैसी चीज थी जो तुम्हारे शरीर में घुसती थी। बताओ ना शक्तिमान, ऐसी समय यात्रा की है कभी तुमने? नहीं, अब तक तो नहीं। तो फिर करनी पड़ेगी। हालांकि तुम अपनी छह सात समय यात्राओं में किस किस काल में गए थे ये तो मुझे नहीं पता। हाँ, पर एक काल के बारे में मुझे पता है। कौन सा काल? अग्निकाल। अग्निकाल? अग्निकाल? हाँ, पृथ्वी के चारों ओर आग ही आग थी और सूरज की तरह दहकता हुआ आग का गोला थी पृथ्वी। हमें उसी काल में जाना होगा शक्तिमान। लेकिन उस काल में मिलेगा क्या? अब ये तो उस काल में जाकर ही पता चलेगा शक्तिमान। आओ चलते हैं। आइए देवी जी, आओ शक्तिमान। कहाँ गए द्विज? देवी जी हम धरती पर ही है। ये उस समय की धरती है जब धरती भी एक आग का गोला हुआ करती थी। तुम्हारा मतलब है जब सूर्य से सारे ग्रह अलग हुए थे, ये उस समय की बात है? हाँ। शक्तिमान तुम बाहर जाओ, हम दोनों अगर बाहर जाएंगे तो जल जाएंगे। तुम तो बाहर भी रह सकते हो ना आग में, क्योंकि तुम शक्तिमान हो।
परंतु इस धधकती हुई आग में क्या मिलेगा हमें द्विज? ये मत भूलो कि 8 जीवन चक्र ढूंढने हैं हमें। प्रकृति के रहस्यों को कौन समझ पाया शक्तिमान? क्या पता इस अग्नि में जीवन किसी रूप में दिख जाए तुम्हें? इम्पॉसिबल, मुझे नहीं लगता कि इस आग में कहीं जीवन होगा। फिर भी एक बार कोशिश करके देख लेना चाहिए मुझे, हो सकता है द्विज के बाद सही निकला है। और फिर कोशिश करने के अलावा हमारे पास चारा भी क्या है? तुम्हारा प्रयास सफल हो शक्तिमान। इतनी तेज आग के बीच कहां मिलेगा जीवन? जीवन है यहां, ऐसी आकृतियां किसी जीवधारी की ही हो सकती है। इसके सर के पीछे ये चक्र क्या? कहीं इन्हीं चक्रों के बारे में तो नहीं बताया था शक्तिपुंज ने? शक्तिमान भी उस जायंट बर्ड के पीछे जा रहा है। और उस पक्षी ने अपने पंजे में किसी को पकड़ा हुआ है। हाँ, ताज्जुब की बात है, इतनी तेज आग में भी पृथ्वी पर लाइफ थी। परंतु वो पक्षी अंतरिक्ष में कितनी दूर चला गया? मुझे लगता है वो किसी दूसरे ग्रह का था और वो पृथ्वी पर आया होगा। दूसरे ग्रह का? तुम्हारे कहने का मतलब है अग्निकाल में भी ऐसे पक्षी हुआ करते थे जो एक ग्रह से दूसरे ग्रह में आ जाया करते थे? परंतु उस पक्षी को अंतरिक्ष में जाते हुए हमने अपनी आंखों से देखा है। हाँ, ये क्या था? चेतावनी। मतलब समय कक्ष हमें चेतावनी दे रहा है। देवी जी, समय कक्ष यहाँ की तेज गर्मी सहन नहीं कर पा रहा है। तो फिर अब क्या होगा द्विज? यदि हम यहाँ से वापस नहीं लौटे तो समय कक्ष तेज गर्मी के कारण जल जाएगा। लेकिन हम शक्तिमान को छोड़कर कैसे जा सकते हैं द्विज? मेरी भी समझ में कुछ नहीं आ रहा देवी जी। अगर शक्तिमान वापस नहीं आया तो इस समय कक्ष के साथ हम दोनों भी जल जाएंगे। ओफो, उस पक्षी के पीछे कहाँ चला गया शक्तिमान? अंतरिक्ष में कितनी तेजी से उड़ रहा है ये पक्षी, और ये जा कहाँ रहा है? हमारे सौर मंडल से बाहर निकल आया है ये, कहीं ये किसी दूसरे ग्रह से तो नहीं आया हमारी पृथ्वी पर? जो भी हो, मुझे जल्द से जल्द इसके पंजे से उस जीवधारी को छुड़ाना है। उसी से मिल सकता है मुझे पहला चक्र। उस ग्रह की ओर जा रहा है, शायद वही ग्रह है इसका। ये सब कैसे हो गया? विस्फोट के साथ पूरा ग्रह खत्म हो गया, साथ ही वो जीवधारी कहां गया जिसके सर पर चक्र था? उस जीवधारी को मुझे ढूंढना होगा, उससे वो चक्र मुझे हासिल करना है। देवी जी, शक्तिमान आ क्यों नहीं रहा है? अब नहीं सहन होती है गर्मी। मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है द्विज।
देवी जी, हमें इस समय से वापस लौटना ही होगा। नहीं द्विज, फिर शक्तिमान का क्या होगा? और शक्तिमान के बिना लौटकर हम करेंगे क्या? और अगर शीघ्र शक्तिमान वापस नहीं आया तो हम दोनों भी जल जाएंगे। ओ गॉड, ये शक्तिमान क्यों नहीं आ रहा है? वो रहा। इसका मतलब पहला चक्र सचमुच ही था। ये तो शक्तिपुंज है। ये हमारी पृथ्वी की शक्तिपुंज जैसा है। इसका मतलब ये इस ग्रह का शक्तिपुंज है। परंतु इसमें हंसने की आवाज कैसी आ रही है? ये कौन है? कहीं ये प्रेतोला तो नहीं जो ग्रह के शक्तिपुंज में घुसकर ग्रह को नष्ट कर देता है? ये कौन है जो प्रेतोला की तरह अंतरिक्ष में खड़ा है? कौन है तू? शक्तिमान। शक्तिमान? कौन शक्तिमान? मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, इस बात का पता तुम्हें लाखों सालों बाद चलेगा। लाखों सालों बाद? हाँ, और शायद तुम्हें इस बात को जानने के लिए रहो भी नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें आज के समय में ही मिटा दूंगा और फिर तुम लाखों सालों बाद पृथ्वी के शक्तिपुंज पर कब्जा भी नहीं कर पाओगे और तब पृथ्वी पर अंधेरा भी नहीं होगा और मुझे अंधेरे को मिटाने के लिए आठ चक्रों को ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। भविष्य को बचाने के लिए तुम्हें मिटाना जरूरी है प्रतुला, जरूरी है। कैसी बातें कर रहे हो? लाखों सालों बाद पृथ्वी, भविष्य, ये क्या कह रहे हो तुम? मतलब ये कि मैं भविष्य से भविष्य को बचाने के लिए भूतकाल में तुम्हें मिटाने आया हूं प्रतुला। प्रेतोला को मिटाएगा तू? ब्रह्मांड के महाप्रेत प्रेतोला को मिटाएगा तू? तेरी मौत तुझे यहाँ खींच लाई है।